दोस्तों ये मेरा शेवरोले स्पार्क गाड़ी है और इसका जो प्रॉब्लम है वो आरपीएम फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो इसका जो इसका थ्रॉटल बॉडी का कुछ इशू है। अभी ये थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रहा है, मतलब उसका अंदर इसमें एक सेंसर होता है, उस सेंसर को क्लीन करेगा और देखेगा कि इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अभी ये थ्रॉटल बॉडी को ओपन किया रहा है, थ्रॉटल बॉडी को खोल रहा है, खोल के उसका सेंसर को अभी ये ठीक करेगा। अभी ओपन हो चुका है, ये देखिए ये जो अंदर यह इलेक्ट्रॉनिक मोटर रहता है और यहाँ वायर से मैनुअल भी कंट्रोल होता है। तो ईसीयू अगर चाहे तो इसको अंदर से ऑपरेट कर सकता है, उसी लिए ये मोटर रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है, इसके अंदर ये जो सेंसर है, सेंसर का थोड़ा प्रॉब्लम है, सेंसर क्लीन करने से वो काम हो जाएगा, वही काम हो रहा है। अभी सेंसर को क्लीन करेगा मिस्त्री। देखिए दोस्तों ये जो सेंसर है, इस सेंसर का फॉल्ट था, मतलब सेंसर कार्बन से पूरा चोक हुआ था। उसको क्लीन करने के बाद अब ये गाड़ी ठीक है, स्टार्ट में है गाड़ी, देखिए इंजन का कोई नॉइज नहीं है। अभी मेरा काम हो चुका है, अभी थ्रॉटल बॉडी को फिटिंग कर रहा है मिस्त्री लोग।